नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसएस न्यूज के इस ताजा अंक के अंदर। दोस्तों, दो राज्य ऐसे भारत में जो भारत की राज सत्ता, दरअसल राज तिलक किसका होगा उसका निर्णय करेंगे। एक तो है महाराष्ट्र और 48 सीटें, और दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश 80 सीटों के साथ में। विषय तो यही है कि अल्टीमेटली जनता बदलाव चाहती है, पर क्या इन दो राज्यों का इस समय जो परिदृश्य है वो क्या कह रहा है। मुझे लगता है कि आज इन दो राज्यों पर मुख्यतः, हालांकि बाकी बातें भी हम करेंगे, मुख्यतः हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि इन दो राज्यों के अंदर किस किस्म की परिस्थिति निकल कर आ रही है, लोगों का रुझान क्या है, और अल्टीमेटली जो राजनीतिक समीकरण है वो किस दिशा में जा रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से हमारे क्या कहते हैं कि वरिष्ठ विश्लेषक सुनील शुक्ला जी, आपका स्वागत है। और साथ में हमारे साथ हैं अरुण कुमार शर्मा जी दिल्ली से, सर आपका भी स्वागत है। और दिल्ली की भी 7 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ महाराष्ट्र की जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं उसको प्रोवाइड कर देता हूं। इस चक्र में 13 सीटें हैं जिन पर मतदान है, और इसके साथ ही महाराष्ट्र की 48 सीटों का चुनाव संपन्न हो जाएगा। इसमें डिंडोरी, नाशिक, धुले, कल्याण, थाने, पालघर और भिवंडी है, और इसके अलावा 6 सीटें मुंबई की हैं। मैं मुंबई के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा यहाँ पर कि मुंबई की 6 सीटों में जो मुंबई साउथ की सीट है, 6 में से 3 सीटों में से एकनाथ की सेना और उद्धव की सेना का डायरेक्ट मुकाबला है। और इंसिडेंटली इन तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर उद्धव की सेना दरअसल भारी पड़ रही है। उसका कारण है कि महाराष्ट्र के अंदर मुंबई जो है हमेशा से शिवसेना का गढ़ रहा है, ये उनका किला है। बल्कि कहा जाए तो उनका रायगढ़ भी यही है, उनका सिंगढ़ भी यही है, और खास तौर से उनका जो हेडक्वार्टर दादर के अंदर है वो भी यहीं पर है। मुंबई साउथ को लेते वहां पर यामिनी जाधव हैं, एकनाथ शिंदे की सेना के कैंडिडेट हैं, लेकिन उनके सामने उद्धव ठाकरे का जो कैंडिडेट है वो वेटरन है अरविंद सावंत। वैसे एक बात और बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के अंदर खासतौर से मुंबई में ये चुनाव मराठा वर्सेस गुजराती है। मैं आपको बताऊं, मराठा वर्सेस गुजराती मानुष के बीच में चुनाव है, और यहां पर इस किस्म की भावना लोगों में घर कर गई है कि गुजराती लोग जो मराठियों का स्वाभिमान है उसको ठेस पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र के पास जो प्रोजेक्ट आने चाहिए थे वो गुजरात में शिफ्ट किए जा रहे हैं, और इससे मराठी अस्मिता को बहुत चोट पहुंच रही है। तो ये वक्त आ गया कि मराठी अस्मिता को वापिस लाया जाए। दूसरी बात, उद्धव को एक और बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हो रही है अपनी सभाओं के अंदर, और उद्धव एक किस्म से क्या कहते हैं कि तख्ते पलट करने जा रहे हैं कि जितने भी मुस्लिम वोट बैंक है यहां पर वो पूरा का पूरा एक मुश्त होकर इंडिया गठबंधन के पीछे है, और दो बड़ी पार्टियां महाराष्ट्र के अंदर जो प्रभाव डालती थी वो मुंबई में इस टाइम एक बहुत पूरेस्ट जो निर्दलीय होते हैं उनसे भी बदतर है। वो है प्रकाश अम्बेडकर की क्या कहते हैं बहुजन वंचित आघाड़ी जो है, और AIMIM जिसका भिंडी बाजार मोहम्मद अली रोड पे काफी जोर चलता है। लेकिन इस पर वहां भी मुस्लिम्स ने अपने आप को निश्चय कर लिया है कि वो सारा इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, एक मुश्त जाएंगे, और मुंबई में मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी संख्या में। दर्शक मित्रों, मैं आपको बता दूं तो हालांकि बोरी समुदाय को मोदी जी ने कहीं ना कहीं अपनी साइड में लेने की कोशिश की है। राज ठाकरे आज सभा है वहां पर, दो सभाएं, एक BKC के अंदर यानी कि बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स उसको कहते हैं, कॉमनली उसको BKC कहा जाता है, जैसे कि दिल्ली में करार प्लेस को CP कहा जाता है, तो यहां पर BKC कहा जाता है उसको। वहां पर इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली है, और फिर शिवाजी मैदान में मोदी जी की और वहां पे रैली है, वहां पे राज ठाकरे आ रहे हैं। लेकिन राज ठाकरे का प्रभुत्व बिल्कुल समाप्त हो चुका है, 1% से कम उनकी सीटें हैं। मुंबई साउथ की बात करें तो अरविंद सावंत का पलड़ा जो कि मलाबार हिल, मुंबई साउथ का मतलब मलाबार हिल बैरन ड्राइव का एरिया है, भिंडी बाजार के एरिया है, मोहम्मद अली रोड के एरिया है, बैलार्ड पियर है, यहां पर उनका पलड़ा भारी है। इसके बाद एकमात्र सीट जहां पर BJP काफी एश्योर्ड है वो मुंबई नॉर्थ, जिसको कि आप कांदिवली, बोरीवली, विरार तक जो सीट जाती है वहां पर, चूंकि गुजराती कमेटी काफी है तो वहां भी मराठी वर्सेस गुजराती है। लेकिन चूंकि कांदिवली, बोरीवली, दहिसर, मीरा रोड, यहां पर राजस्थानी और गुजराती प्रभाव काफी है, तो मुझे लगता है कि पीयूष गोयल के लिए एकमात्र सीट जो है वो एक किस्म से सेफ सीट है। उसके बाद मुंबई नॉर्थ ईस्ट की सीट है जिसको कि अक्सर घाटकोपर मुलुंड की सीट कहा जाता है। यहां पर नॉर्थ ईस्ट की सीट में आपका BJP ने एक गुजराती उम्मीदवार को खड़ा कर दिया, महेश कोटेचा को, जो कि मुलुंड और घाटकोपर में काफी गुजराती कम्युनिटी है, उसके अगेंस्ट एक
हार्डकोर मराठी जो कि काफी एस्टेब्लिश्ड है, एमपी भी है अभी भी, संजय दीना पाटिल है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और बहुत लोगों के अंदर गुस्सा इस बात का है कि आप लगातार महाराष्ट्र के अंदर, वो भी मुंबई के अंदर, आप गुजराती कम्युनिटी के लोगों को खड़ा कर रहे हैं और मराठियों को आप एक किस्म से कहा जाए तो अपमानित कर रहे हैं। तो बीजेपी ने एक बहुत बड़ी गलती की महेश कोठिया को टिकट देके, और यहां से संजय दीना पाटिल जो है खासतौर से यूबीटी के बहुत आराम से मुझे लगता है उनको हराते नजर आ रहे हैं। नॉर्थ की मैंने बात की है जहां पीयूष गोयल जीत जाएंगे भूषण पाटिल से। भूषण पाटिल मैक्सिमम एक कॉर्पोरेटर रहे हैं, मैं थोड़ी सी लंबी पृष्ठभूमि दे रहा हूं मुंबई की ताकि एक आइडिया हो जाए। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल जो कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से पवई और बांद्रा, ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से पिछली बार प्रिया दत्त हार गई थी जो कि सुनील दत्त की बेटी है, खासतौर से पूनम महाजन के हाथों में। लेकिन इस बार मैं आपको ये कह सकता हूं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो कि जिसको कि हम नॉर्थ सेंट्रल कहते हैं, और यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग कांग्रेस की कैंडिडेट है जिनका नाम है वर्षा गायकवाड़, और उनके सामने बीजेपी ने खड़ा कर दिया है उज्जवल निकम को, जो वकील थे कसाब के केस में। एक्चुअली ये उज्जवल निकम को आउटसाइडर कहा जा रहा है, वर्षा गायकवाड़ एक श्योर शॉट सीट की सीट के रूप में उभर के आ रही है नॉर्थ सेंटर में, यानी कि पवई चांदीवली और बांद्रा का जो एरिया है यहां पर वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस की ओर से पुख्ता कैंडिडेट है और जीत सकती है। साउथ सेंट्रल, अब साउथ सेंट्रल का मतलब होता है दादर, सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए, जो कि उद्धव ठाकरे का अपना गढ़ है। तो साउथ सेंट्रल के अंदर राहुल शिवाले का मुकाबला यूबीटी के यानी कि उद्धव ठाकरे के अनिल देसाई से है जो कि वेटरन है। यहां पर सीधी चोट मराठा वर्सेस सो कॉल्ड नकली मराठा के साथ में है, और मुझे कोई शक नहीं है यहां पर एक्चुअली फैसला हो जाएगा कि महाराष्ट्र का किंग कौन है, उद्धव ठाकरे या एकनाथ सेना। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है जो ग्राउंड फोर्स से मैंने बात की है, अनिल देसाई हैंड्स डाउन यहां से जीतते नजर आएंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। दूसरी बात है कि जमीन पर आपको उद्धव नजर आ रहे हैं, एकनाथ नजर नहीं आ रहे हैं। सामान्य मराठी मानुष जो है वो उद्धव के साथ में है। इसके साथ ही मुंबई में मुस्लिम और दलित वोट जो कि घाटकोपर साइड में मानखुर्द में काफी है, वो भी इस समय उद्धव ठाकरे के साथ एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। राज ठाकरे कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे, और जब तक और दूसरी महाराष्ट्र की दूसरी बात करें तो इसमें डिंडोशी, नासिक और पालघर, इसमें दो सीटें ऐसी हैं जो ट्राइबल सीटें हैं, और पालघर की सीट तो वैसे भी ट्रेडिशनली उद्धव ठाकरे की जो सेना है उनकी सीट रही है। वहां पर जो मेरे ख्याल से जो लेडी है शायद भारती कामदी, वो उनके जीतने के पूरे चांस हैं। धुले के अंदर भी वहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की शोभा है, वो जीत सकती है। डिंडोशी में एनसीपी शरद पवार बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, वो भागा रहे हैं। इसके अलावा मैंने पालघर की बात की है कि भारती जीत रही है वहां पर। नासिक में टफ फाइट होगी हेमंत गोडसे की और राजा भाऊ वजे जो कि यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे के हैं। भिवंडी की सीट कपिल पाटिल जो कि मंत्री भी है और वो शायद मुझे लगता है बीजेपी की ओर से चुनाव जीत जाएंगे, हालांकि यहाँ एनसीपी के ओर से सुरेश मात्रे हैं। ओवरऑल इन 13 सीटों में देखा जाए तो कम से कम मुझे लगता है कि 8 से 9 ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत आराम से इंडिया गठबंधन जो है इन 13 सीटों में जीतता नजर आ रहा है। और मुंबई के अंदर भी जो 6 सीटें हैं वहां पे 4 से 5 सीटें, मैं आज कह रहा हूं 4 से 5 सीटें इंडिया गठबंधन की ओर से, ये वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस की, और 3 से 4 सीटें उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो जीतती हुई नजर आ रही है। तो थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन लंबा हो गया क्योंकि मुंबई के बारे में बात करना चाहता था और महाराष्ट्र के बारे में बात करना चाहता था। सबसे पहले मैं सुनील शुक्ला जी आपके पास आता हूं। इस बीच सुजाता जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनील जी, एक मैंने प्रीव्यू दिया है इसका महाराष्ट्र के बारे में और मैंने प्रोग्राम्स भी किए हैं इसके बारे में, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश से क्या पिक्चर निकल कर आ रही है और बाकी इंडिया से जो पिक्चर निकल के आ रही है आपकी नजरों में। सुनील जी धन्यवाद। दिनेश जी, उत्तर प्रदेश में 4 चरणों का चुनाव तो हो चुका है, आपको सबको पता है, और जो ट्रेंड रहा है कि गिरता हुआ मत प्रतिशत ये चिंता का विषय है सत्तारूढ़ दल के लिए। दूसरा कि जो बीजेपी का एजेंडा है हिंदुत्व का, उसका कोई असर नहीं है। तीसरा, राम मंदिर को लेकर के लोगों में चुनाव के दरमियान कोई आकर्षण नहीं है, यानी उस बिना पर कोई राजनीतिक निर्णय नहीं हो पा रहे हैं। तीसरा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विपक्ष ने मुद्दे खड़े किए हैं, खासतौर से बेरोजगारी का, महंगाई का, और इन दोनों से बड़ा संविधान के खतरे में पड़ने का, लोकतंत्र के खतरे में पड़ने का, आरक्षण के खतरे में पड़ने का,
यह जो मुद्दे हैं वो गंभीर हैं और जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। और एक चौथी बात जो है वो यह है कि गैर भाजपा मतदाताओं के बीच में कोई विभाजन नहीं, वो जहां भी हैं एकजुट है, उनमें कोई अंतर नहीं नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रबल समर्थक जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में माहौल बनाते रहे हैं, उसमें एक बड़ा वर्ग है राजपूतों का, उन्होंने खुलेआम विरोध कर रहे हैं। जैसे राजपूतों की एक का एक संगठन है करणी सेना, करणी सेना ने एक दिन पहले अभी अमेठी में बैठक की, बड़ी सभा की, और उसमें उन्होंने कहा कि एक तरह से कह सकते हैं कि शपथ लेते हुए दिखाई पड़े लोग कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे। उनका ये आरोप है कि जो महिला पहलवानों के साथ जो घटना हो रही थी या जो राजपूत महिलाओं को लेकर के गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के नेता रूपाला जी ने जो बयान दिया है उस पे स्मृति ईरानी मैडम का कोई बयान नहीं आया, उसके प्रतिक्रिया में उन्होंने बयान नहीं दी, उसकी न निंदा की न कोई बात कही, इस तरह की बात तो सभा में कही गई। एक इस तरह का माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अपना 2019 का जो जन समर्थन था उसको बचाए रखना कठिन हो रहा है। एक बड़ा जो राजनीतिक यथार्थ है कि जब भी पांचवें चरण में जिन इलाकों में मतदान होने जा रहा है 13 इलाकों में, उसमें एक सीट छोड़ करके सब सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, केवल रायबरेली को छोड़ के। लेकिन जब आगे चुनाव हुआ विधानसभा का तो रायबरेली के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 विधानसभा क्षेत्र समाजवादी पार्टी ने जीते, एक सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। और वो जो भारतीय जनता पार्टी के पास सीट है वह अभी जो यहाँ के स्थानीय विधायक है आदित्य सिंह, वो बीजेपी के पक्ष में प्रचार नहीं कर रहे। उन्होंने दिनेश सिंह को लेकर के एक बयान दिया है, वह बयान पब्लिक डोमेन में, माने उन्होंने एक्स पे लिखा है कि सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया है। दिनेश सिंह के साथ उनके उनके पिता के उनके ग्रैंडफादर के रिश्ते रायबरेली में सबको पता, तो दिनेश सिंह के साथ तो खड़ी नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी ने जिस समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे को राज्यसभा चुनाव के दौरान अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, जोड़ भी लिया, उन्होंने मतदान भी किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, वह अभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार नहीं कर रहा। तो रायबरेली की स्थिति यह है, समाजवादी अमेठी की स्थिति यह है कि वहां भी समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीती। लेकिन यह भी सही है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान दोनों विधायक उनके उन्होंने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया, लेकिन वो इस चुनाव में भी बीजेपी के साथ खड़े होंगे या अभी विपक्ष का विषय है, इस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। बुंदेलखंड को आप मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के असर का इलाका रहा है, हमीरपुर, जालौन, झांसी, बांदा और फतेहपुर मान लीजिए आप, और कुछ देर के लिए बुंदेलखंड में जोड़ लीजिए। एक झांसी का की सीट आप छोड़ दीजिए तो अधिकांश जगहों पर समाजवादी पार्टी एक मजबूत कंटेंडर के रूप में मौजूद है और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मजबूत उपस्थिति भी दर्ज, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अपनी मजबूत उपस्थिति भी दर्ज कर ली। आप इधर अवध के क्षेत्र में अगर आप आएंगे तो बाराबंकी, गोंडा, फैजाबाद, कैसरगंज और लखनऊ, लखनऊ को आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ है। 5 बार वहां से अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, राजनाथ सिंह जी भी वहां से चुनाव जीत रहे हैं, और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व का इलाका हो रहा है, शहरी क्षेत्र ज्यादा है इस कारण से। बाकी जगहों पर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे चुनौती नहीं। आपके हिसाब से यूपी में क्या पिक्चर निकल रही है 14 सीटों पे? मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 2019 का अपना जो उपलब्धियां रही हैं उसको दोहरा नहीं पाएगी। जो गठबंधन है वह गठबंधन मजबूत स्थिति में है, और जिसके कारण मैंने बताया आपको कि गैर भाजपा मतदाता एकजुट है, उनमें कोई विभाजन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खड़े किए गए जो नैरेटिव्स हैं उनका कोई असर नहीं है, विपक्ष के द्वारा जो खड़े किए गए नरेशन है, खासतौर से संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, आरक्षण बचाओ और महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की स्थिति, इनका असर है, इसको लेकर के लोग चिंतित हैं और उनके अंदर इस तरह की प्रतिक्रिया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पे कोई बयान नहीं दे रही है, बल्कि वह राम मंदिर की बात उठा रही है,
वो 370 370 की बात उठा रही है, वो यूसीसी लागू करने की बात कर रही है, गवर्नेंस की बात नहीं कर रही, या जो जनता से जुड़े हुए सवाल है उसकी बात नहीं कर रही। मेरा अपना मानना यह है कि अगर आप जनता से जुड़े हुए सवालों का जवाब नहीं देंगे, अगर जनता से जुड़े हुए सवालों पे आप मुखर नहीं होंगे, तो आपको जन समर्थन हासिल करने में सुविधा होगी। मेरा अपना मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है और गंभीर चुनौती है, किसी भी तरह से महाराष्ट्र से कम चुनौती यहाँ नहीं है, और आगे वाले चरणों में चाहे पांचों अवध हो, बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, और चाहे आगे पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका, ये हर जगह भारतीय जनता पार्टी के लिए गंभीर चुनौतियां होगी। उत्तर प्रदेश के जो आगे वाले जिले हैं उसमें तो 6 जिले ऐसे हैं जहां विधानसभा के दौरान बीजेपी का खाता भी नहीं खुला, वहां चुनाव होना है, तो एक बड़ी चुनौती है, और जो जनता से जुड़े हुए सवाल है वो मुखर है। जी।